हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग क्लास 8 चैप्टर 3 ज्योग्राफी मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, खनिज तत्व और शक्ति संसाधन। की वाज विजिटिंग सुकान इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी जो था वह सुकांत गया, जो उसके पड़ोस में ही धनबाद के पास एक स्थान है। किरी जो था यह देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि जो एरिया जो था बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे था वह पूरा के पूरा वो ब्लैक था, ब्लैक कलर में था। सुकांत क्यों यह प्लेस इतना काला और रस्टी है, धूल बड़ा है, उसने पूछा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोल माइंस है पास में। क्या तुम उस ट्रक को देखते हो? वे मिनरल कोल को कैरी कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, सुकांत बोला। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? किरी ने पूछा। सुकांत ने कहा, जैसा कि तुम देख चुके हो कि जो बेकर जो बेकिंग करते हैं बिस्किट कैसे करते हैं, फ्लोर मिल्क शुगर और कुछ एग्स वगैरह मिक्स मिक्स करते हैं, जबकि जो खाने के लिए जो बेक किया जाता है बिस्किट को, तुम देख सकते हो उसमें कुछ इन्ग्रीडियंट अलग अलग मिलाया जाता है। और ये जो बिस्किट्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जैसा कि तुम देख सकते हो। और रॉक्स जो धरती से जो निकाला जाता है, ये मटेरियल्स जिसको कहा जाता है, इसको मिनरल्स कहा जाता है, जो मिक्स होता है। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं और ये अर्थ के रॉकी क्रस्ट होते हैं। या आज हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेस के बारे में। वेलकम टू पीसीएस ऑनलाइन एजुकेशन, माई सेल्फ सुनील शर्मा। लेट अस स्टार्ट। प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं वो एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, मिनरल्स होती हैं। मिनरल्स जो है ये हर जगह मौजूद नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में या रॉक फॉर्मेशन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जो बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते हैं, और कुछ आर्कटिक ओशियन के तलहटी में या अंटार्कटिका ओशियन के तलहटी में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल्ट जो आप भोजन में यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज़ करते हैं वह मिनरल्स होता है। मिनरल जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, और इसमें अंदर बहुत सारे उसमें कंडीशंस होते हैं। वे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के, और वे जो है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। जैसे उनके जो कलर होते हैं, डेंसिटी होता है, हार्डनेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोलेबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और मेटालिक में दो प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। 3000 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ये उनके कंपोजिशन के आधार पे मिनरल्स जो है क्लासिफाई किया जाता है मुख्य रूप से मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के रूप में। मेटालिक मिनरल्स उसमें जो मेटल जो है रॉ फॉर्म में पाया जाता है, ये मेटल्स या धातु जो है हार्ड पदार्थ होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें व्यवहारित हो सकती है। उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे लस्टर या साइन, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटालिक मिनरल्स जो है ये फेरस या नॉन फेरस होते हैं। फेरस मिनरल्स इसमें आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, इसमें आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस में जो मिनरल्स होता है उसमें आयरन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ जैसे अदर जैसे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लीड इत्यादि आते हैं। रॉक एक एग्रेटिव होता है या एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन बिना इसके डिफाइनेट कंपोजिशन के मिनरल तैयार नहीं होता है। रॉक्स जो है ये जहाँ से माइन होता है उसको ओर बोलते हैं। यद्यपि 2800 प्रकार के मिनरल्स जो हैं चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन 100 प्रकार के मिनरल्स और जो है अभी कंसीडर किए गए हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल्स धातु नहीं पाया जाता है, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सन और
जो एग्जांपल्स हैं कुछ मिनरल्स के हैं, कुछ मिनरल्स फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स जो है माइनिंग से, ड्रिलिंग से या क्वेरिंग से प्राप्त किया जाता है। इन तीन तरीके से हम मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। माइनिंग में एक ओपन कास्ट माइनिंग होता है, शाफ्ट माइनिंग होती है। जो प्रोसेस है मिनरल्स को प्राप्त करने का, वह जमीन के अंदर से खोद करके और ये असरफेस से जो प्राप्त करते हैं उसको माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स जो शैलो डेप्थ होता है, जिसमें कुछ सरफेस को हटा करके उसको प्राप्त करते हैं, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। और जीव जो डीप हो बोर करते हैं, यानी जिसको बहुत ज़्यादा गहरा खुदाई करके या बोरिंग करके करते हैं, उसको शाफ्ट बोलते हैं। और ये कुछ रिच मिनरल डिपॉजिट होता है जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है, इसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, ये अर्थ के सरफेस में बहुत नीचे पाया जाता है। गहरी कुएँ जो हैं खोदी जाती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, इसको ड्रिलिंग बोलते हैं, जो फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं। मिनरल्स जो नज़दीक में जो सरफेस के नज़दीक में जो पाया जाता है, जिसको आसानी से खोद करके निकाला जाता है, उसको क्वेरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल अलग अलग टाइप के होते हैं, रॉक्स के होते हैं। कुछ उसमें जो है इजीनियस रॉक्स पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जो है, यू कैन ऑलवेज टेल इफ ए रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। कॉपर को, जो रॉक्स जो होता है उसको कॉपर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कलर जो है ब्लू होता है, वो हमेशा ब्लू दिखाई देता है। साधारणतया मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो इजीनियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन में पाए जाते हैं या बड़े प्लेट्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं। और नॉर्थ स्वीडन में कॉपर और निकिल डिपॉजिट, ओंटेरियो में, कनाडा आयरन निकिल क्रोमाइट्स और प्लेटिनम, साउथ अफ्रीका में कुछ एग्जांपल हैं जो पाए जाते हैं। इजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कुछ एग्जांपल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है ये प्लेन में होता है, और यंग कोल्ड माउंटेन्स इसमें कंटेन होते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे लाइमस्टोन होते हैं, लाइमस्टोन डिपॉजिट जो है ये कैकेसस रिज क्षेत्र में, यानी कि फ्रांस में पाया जाता है। मैग्नीट डिपॉजिट जो है जॉर्जिया और यूक्रेन में, और फास्फेट बेड्स जो है अल्जीरिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में ही पाया जाता है। एशिया, चाइना और भारत, ये जो है आयरन डिपॉजिट यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये जो कंटिनेंट हैं, यहाँ पे जो है विश्व का लगभग आधा जो है टीन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया कुछ इसमें विश्व के टीन प्रोड्यूसर में लीडिंग कंट्रीज हैं। चाइना जो है ये लीड के प्रोडक्शन में काफ़ी लीड करता है और काफ़ी आगे है एंटीनोमी और टंगस्टन के। एशिया जो है मैंगनीज, बॉक्साइट और निकिल और जिंक कॉपर का पूरा एक डिपॉजिट है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाता है। यूरोप जो है आयरन और इस पूरे विश्व में लीडिंग प्रोड्यूसर है, और ये कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और जैसे रसिया में, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में मौजूद है। मिनरल डिपॉजिट में कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकिल जो है पाए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में। नॉर्थ अमेरिका जो मिनरल डिपॉजिट है नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है, और ये थ्री जोन्स में मौजूद है। कैनेडियन रीजन्स में, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक्स के, एप्लेशियन रीजन और माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट के। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर, ये जो है कैनेडियन शील्ड रीजन में माइन किया जाता है। कोल एप्लेशियन रीजन में माइन किया जाता है। वेस्टर्न वो कॉर्डिलियरस, ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील जो है आयरन ओर का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है। चिली और पेरू, यहाँ पे जो है कॉपर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ब्राज़ील और बोलिविया, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर हैं टीन के। साउथ अमेरिका
में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में सिर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस, डायमंड इत्यादि पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल जो है वेंजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका जो है मिनरल रिसोर्सेज का बहुत रिच केंद्र है। ये सबसे बड़ा जो है डायमंड्स का प्रोड्यूसर है, गोल्ड और प्लेटिनम का भी है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जेरे ये जो है बड़े मात्रा में विश्व के गोल्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे जो मिनरल जो अफ्रीका में जो पाए जाते हैं वो कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट हैं। ऑयल जो पाया जाता है वो नाइजीरिया, लीबिया और एंजोला में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन जो डायमंड जो होता है वह ये बहुत कम मिलता है, बहुत कठिन है इसका मिलना। जो ओल्डेस्ट रॉक है विश्व में वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये इसका जो डेट है 4300 मिलियन ईयर्स पहले का है और केवल 300 मिलियन ईयर्स के बाद जो है अर्थ का जो है निर्माण हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का उत्पादन करने में सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है और ये गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन और निकिल जो है भी प्रोड्यूस करने में आगे है। यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक और मैंगनीज इत्यादि जो है बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कलगोरिली एंड कुलगरडी एरिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड की डिपॉजिट है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जियोलॉजी है, इसको जो है ये वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट के रूप में जाना जाता है। कुछ जो है संभवतः बड़े ज़्यादा स्तर पे या एक सिग्निफिकेंट जो साइज है डिपॉजिट है कोल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स जो है और आयरन जो है यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास ईस्ट अंटार्कटिका में जो है कुछ खोजे गए हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल ये कुछ जो है कमर्शियल क्वान्टिटीज में पाए जाते हैं। यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मिनरल्स जो है ये जेम्स बनाने में इसका यूज़ बहुत हार्ड होता है और ये जो है कुछ जो है ज्वेलरी वगैरह जो है विभिन्न तरह के स्टाइल बनाने में उसको सेट करने में किया जाता है। कॉपर एक दूसरा जो है मेटल है जिसका इस्तेमाल हम क्वाइंस से पाइप, सिलिकॉन का यूज़ जो है क्वाइंस से पाइप के लिए करते हैं। सिलिकॉन जो है इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर इंडस्ट्री में करते हैं जो क्वार्ट्ज को प्राप्त करने के लिए करते हैं। एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइट ओर से प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन बनाने में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग और किचन कुकवेयर में इत्यादि में इसका करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये हजारों साल इसको लगे इसको बनने में, फॉर्मेशन होने में और इसका कॉन्सेंट्रेशन होने में। मिनरल्स का जो रेट है इसका फॉर्मेशन होने में मिनरल्स का, ये रेट जो है बहुत कम है जहाँ पे ह्यूमन जो है जिस तरह मात्रा से इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत आवश्यक है कि कुछ वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए ताकि इस प्रोसेस की जो माइनिंग है उसमें मेटल को रिसाइकलिंग करने का एक दूसरा तरीका है जिससे मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। पावर रिसोर्सेज, सनीज की जो माता जी हैं उनके अपनी दिन की शुरुआत व गीजर को स्विच करने से करती हैं, यानी गीजर क्या होता है, गीजर से पानी गर्म करते हैं। वो आयरन करती हैं सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को जब वह उठने से पहले, और फिर वो किचन में जाती हैं और ऑरेंज जूस बनाती हैं ब्लेंडर के माध्यम से। सनी ने कहा क्या तुमने अपना नहा लिया, आओ आकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसकी माँ ने कहा जब वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और जब वो स्टोव गैस पे जब वो सनी के लिए बना रही थी। जब सनी स्कूल जाने के लिए जाता है तो वह लाइट को स्विच ऑफ और फैन को स्विच ऑफ करना भूल जाता है। मदर जो है उनको स्विच ऑफ करती हैं और फिर वो सोचती हैं कि लाइफ और जो है शहरों में बहुत आरामदायक हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैजेट्स हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं और गैजेट्स को चलाने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है जिसमें जो है डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो एडवेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी जो की वजह से लाइफस्टाइल जो है
बहुत तेजी से उसमें बदलाव आया है। शक्ति पावर और एनर्जी यानी शक्ति या ऊर्जा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। हमें आवश्यकता है पावर इंडस्ट्री के जो है शक्ति के लिए, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज जो है ब्रॉडली जो है कैटलाइज जो किए गए हैं वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के रूप में किए गए हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसमें एक कॉमन यूज होता है लंबे समय के लिए, जैसे फायरवुड या फॉसिल फ्यूल्स, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं। फायरवुड इसका मुख्य रूप से जो यूज़ होता है कुकिंग और हीटिंग के लिए किया जाता है। हमारे देश में लगभग 50% जो एनर्जी जो है गांव में ये फायरवुड से ही कंज्यूम होती है। बाकी जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो जब दफनाए जाते हैं धरती के अंदर तो इससे जो है हीट और प्रेशर से जो है ये फॉसिल फ्यूल्स पैदा होता है, उत्पन्न होता है। फॉसिल फ्यूल्स कुछ में इसमें जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेन सोर्सेस हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो रिजर्व्स जो हैं इस मिनरल्स के वो लिमिटेड हैं, और जो रेट है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का कंज्यूमिंग में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसके फार्मेशन की अपेक्षा, इसलिए ये बहुत जल्दी ही समाप्त भी होने की इसकी संभावना है। कोल यानी कोयला, ये मोस्ट एविडेंटली ये फॉसिल फ्यूल से जो पाया जाता है और इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल में, इंडस्ट्रीज में, आयरन स्टील में, स्टीम इंजन में, बिजली को पैदा करने में इसको किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जो पैदा होता है वो कोल से होता है जिसको थर्मल पावर बोलते हैं। कोयला इसका इस्तेमाल हम आज के समय में जो कर रहे हैं ये इसको बनने में लाखों साल लगे और फिर ये जो है बहुत बड़े जो है फंस और स्वैम्स जो है यानी कि जो जीव और जो वन और जीव जो है धरती के अंदर जब दब गए और उस पर लेयर बन गया उससे बने। जो कोयला जो है इस प्रकार इसको बरिड सनशाइन भी बोला जाता है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स पूरे विश्व में चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस हैं। कोल प्रोड्यूसिंग जो एरिया है भारत में वह रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो यानी झारखंड में मौजूद हैं। पेट्रोलियम है वह लैटिन वर्ड्स पेट्रा और लियम से लिया गया है। पेट्रा का अर्थ होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इससे पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। पेट्रोलियम जो है ये हम इससे अपने कार को चलाते हैं और साथ ही हम ऑयल को जो है अपने साइकिल में भी इसको डालते हैं ताकि साइकिल की चाल अच्छी बनी रहे। दोनों की शुरुआत जो है ये थिक ब्लैक लिक्विड यानी कि पेट्रोल से होती है और ये जो है ये रॉक के लेयर्स के बीच में पाया जाता है। इसको ड्रिल करके ऑयल फील्ड में जहाँ स्थित होता है ऑयल फील्ड उसको ऑफशोर किया जाता है और कोस्टल एरिया से निकाला जाता है और इसको रिफाइनरी में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये क्रूड ऑयल जो है प्रोसेस जो है और ये प्रोड्यूस होता है और ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स इत्यादि यहाँ से पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं इनको ब्लैक गोल्ड्स के नाम से जाना जाता है जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। जो चीप पेट्रोलियम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर इत्यादि हैं। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं भारत में वो डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में और डेल्टा ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर्स हैं। नेचुरल गैस ये जो है पेट्रोलियम डिपोजिट्स जो पाया जाता है वहाँ पे जहाँ क्रूड ऑयल जो रिलीज होता है उसके सरफेस से वहाँ से नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं। इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, देवता, त्रिपुरा और कुछ एरिया जो है ऑफशोर जैसे मुंबई में यानी समुद्र के अंदर के वहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेस मौजूद हैं।
बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ पे विश्व के में पर्याप्त नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद हैं उनके पास अपना। जो शार्प इंक्रीज है हमारे अपने कंजप्शन का फॉसिल फ्यूल्स का, वह उसके डिप्लेशन की तरफ जा रहा है, ये एक अलार्मिंग की सूचना है। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं यह रिलीज होता है जब इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में ये नुकसान होता है। जो अनचेक्ड जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि अनचेक्ड ट्रिपिंग टैप, ये जब सूख जाता है तो इस तरह से जो टैपिंग होती है बहुत प्रकार के नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एनर्जी का, वो समय समय पर क्लीनर करता है, ये अल्टरनेटिव होता है फॉसिल फ्यूल्स का। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, और इससे बहुत कम जो है पॉपुलेशन पॉल्यूशन होता है और पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा। हाइडल पावर, रेन वाटर या रिवर वाटर, ये जो है डैम में इकट्ठा कर देते हैं ऊंचाई से गिरते हुए। जब फॉलिंग वाटर जो होता है, जब पाइप्स के माध्यम से अंदर से होते हुए जब आता है, तो डैम में एक टर्बाइन ब्लेड्स लगे रहते हैं बॉटम में डैम के, और ये ब्लेड्स को क्या करता है, मूव करता है, घुमाता है, और जनरेटर जो है यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। वाटर यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद, और इस वाटर का यूज़ सिंचाई में करते हैं। 1/4 हिस्सा जो विश्व का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है वो हाइडल पावर से आता है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर का, वो है पारगवे, नॉर्वे, ब्राज़ील। हाइडल पावर स्टेशन भारत में भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नारगाजुन सागर और दामोदर वैले प्रोजेक्ट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे जो था पहला विश्व का जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया गया? क्या ये आप ये भी जानते हैं कि जो साइट है वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर का और विंड का, ये बस शेल्टर जो है स्कॉटलैंड में बनाया गया था। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसकी शॉर्टेज होने की संभावना बढ़ रही है, और एस्टिमेट किया जाता है कि जो जो प्रेजेंट रेट जो कंजम्पशन का इसका लगातार ऐसे चलता रहा तो ये फ्यूल्स जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, और ये जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसके वजह से होता है। हालांकि इस प्रकार ये जो है इसका जो यूजिंग है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ये होता है, इसके जो आप कर सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सोलर एनर्जी सन हीट और लाइट एनर्जी जो है से बनता है, और जब दिन होता है यानी कि हम दिन में हीट और लाइट को महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी जो है सन के द्वारा ही जो है उसको ट्रैप करके बनाया जाता है, और इसको सोलर सेल्स जो है से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बहुत सारे जो है सेल्स जो हैं ज्वाइन करके सोलर पैनल बनाते हैं जो जनरेट करते हैं पावर को हीटिंग और लाइटिंग पर्पज़ के लिए। टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की जाती है सोलर एनर्जी में, वो बहुत ही बेनिफिट्स देता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सनशाइन होती है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, इसके अलावा जो कम्युनिटी लाइटिंग है या ट्रैफिक सिग्नल्स इत्यादि में इसका यूज़ कर सकते हैं या किया जाता है। विंड एनर्जी, विंड जो है एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कभी समाप्त होने वाला एनर्जी नहीं है। विंड मिल्स का इस्तेमाल ग्राइंडिंग ग्रेन और लिफ्टिंग वाटर्स जो है ये बहुत पुराने समय से होता रहा है, और मॉडर्न टाइम में भी विंड मिल्स जो है हाई स्पीड विंड्स इत्यादि आ गए हैं जिससे कि विंड मिल को रोटेट करके और इस जनरेटर को रोटेट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स में कुछ जो है क्लस्टर, जैसे कि विंड मिल्स जो लोकेट होते हैं कोस्टल क्षेत्रों में और जो माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पे स्ट्रांग और स्टेडी जो है विंड्स ब्लो होता है वहाँ पे विंड मिल स्थापित करते हैं। विंड फार्म्स जो है वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में नोट किए गए हैं, और यहाँ पे विंड जो एनर्जी जो है प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर एक
ये एक एनर्जी होती है जो न्यूक्ली या ऑफ एटम से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से, जो रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम और थोरियम होता है। ये फ्यूल्स जो है न्यूक्लियर फिशन से प्राप्त किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इसमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त जो है पावर उत्पन्न होती है। ग्रेटेस्ट जो प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, यूएसए, यूरोप, इंडिया, राजस्थान में, झारखंड और जो है लार्ज डिपोट यूरेनियम यहाँ पे मौजूद हैं। थोरियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मोनोजाइट सैंड्स जैसे केरला में वहाँ पाया जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत में कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा के पास राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश और कैगा कर्नाटका में है। जियो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है ये अर्थ से पाया जाता है जिसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर जो है इसका इंटीरियर जो राइज है अर्थ का, वह बहुत ही स्टडी और बहुत ही डीप होता है। कहीं कभी कभी जो हीट एनर्जी जो है सरफेस में स्वयं आकर के हॉट स्प्रिंग्स उत्पन्न कर देते हैं, और हीट एनर्जी जो है यहाँ पे जो पावर को जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जियो थर्मल एनर्जी यानी भूगर्भीय ऊर्जा एक हॉट स्प्रिंग एक फॉर्म है, और इसका इस्तेमाल कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग में बहुत सालों से होता रहा है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा जियो थर्मल पावर प्लांट्स जो है फॉलो करने वाला है, जहाँ पे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका है। भारत में जियो थर्मल प्लांट्स का लोकेशन जो है मणिकर्ण यानी हिमाचल प्रदेश में, पुंगा वैले लद्दाख में मौजूद है। टाइडल एनर्जी एनर्जी जो जनरेट जो किया जाता है टाइड से, उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी जो है ये बिल्डिंग डैम्स जो बनता है, जो नैरो ओपनिंग जो सी में, वहाँ से उत्पन्न होता है। और हाई टाइड के दौरान जो है एनर्जी जो है यहाँ पे जो यूज़ की जाती है, टाइड्स में जो टर्बाइन लगे रहते हैं और वहाँ पर डैम्स बना दिया जाता है, डैम्स के बीच में टर्बाइन्स लगे रहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब टाइड हाई टाइड आता है। रशिया, फ्रांस और कच्छ ऑफ गल्फ जो हैं कुछ भारत में यहाँ पर टाइड मिल फार्म्स मौजूद हैं। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, ये सब को कन्वर्ट करके गैसियस फ्यूल्स में बायोगैस बनाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और बायोगैस यहाँ पर डाइजेस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोगैस उत्पन्न करते हैं, और ये मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। बायोगैस जो एक्सलेंट फ्यूल्स होता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, और प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर हर साल। एनर्जी जो है हर जगह प्रत्येक जगह जो है मौजूद है, लेकिन हम इसको जो है हार्नेसिंग जो है देख सकते हैं एनर्जी में बहुत ही कठिन है, इसको कॉस्टली भी है, और प्रत्येक जो है हम में से जो है अलग अलग जो है हम इसको हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनर्जी सेव करना चाहिए, एनर्जी क्योंकि एनर्जी को जनरेट किया जाता है, उस एक्शन है जो हमें लिया जाना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो और भविष्य हमारा उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद।